ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम यहां हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों 16 मई 2022 को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है और हम आपको इसी से संबंधित एक ऐसी जानकारी और उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो समझिए आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके पास इतना धन आएगा जितना आपने सपने में नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिनको भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। अब अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों आपको करना यह है कि आपको सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त, आप चाहें तो दोनों वक्त भी आप जा सकते हैं। आपको किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना है, नहा धोकर एकदम पवित्र होकर वहाँ आपको हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको एक सरसों का दीपक जला देना है और उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना है और सरसों के दीपक में 2 लौंग जरूर डाल दें और उसके बाद वहीं मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपकी जो भी मनोकामना है जिस भी रूप में है, चाहे वो धन की हो, मकान की हो, गाड़ी की हो या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वह आप हनुमान जी से मांग लें। उसके बाद जब अगली पूर्णिमा आए तो आप पूर्णिमा के दिन जाके पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें लौंग डालना ना भूलें। दोस्तों 2 लौंग जरूर डालें उसमें और इसी के साथ आप फिर हनुमान जी के मंदिर में आएँ उसी दिन और आप जो है हनुमान जी के सामने भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जो है वहाँ पे हनुमान जी का मंत्र की एक माला या चाहें तो 10 माला भी कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्री हनुमन्ते नमः, आप करें और हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करें जो भी आपको मनोकामना है और अगर हो सके तो एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें। दोस्तों यह उपाय, जो पहला उपाय हमने बताया है, वो आपको कल के दिन करना है यानी कि साल के पहले चंद्र ग्रहण के दिन, और उसके बाद जो हमने बताया है वो आपको पूर्णिमा के दिन करना है। आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें करने के बाद ही, पूर्णिमा के बाद ही आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके पास इतना धन आने लगेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। जी हाँ, यह उपाय करने से जितनी भी प्रकार के विघ्न बाधा रुकावट हैं या शनि राहु केतु की कोई परेशानी है वह सब खत्म हो जाते हैं दोस्त, और आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी खत्म हो जाती है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, वह आपके साथ हर जगह रहते हैं और आप अपने कामों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। यह एक अचूक उपाय है जो करना बेहद सरल है, सुनने में साधारण लेकिन इसका फल असाधारण है। दोस्तों इस उपाय को आप पूरे भरोसे और मन के साथ करें और इसका फल आप देखें, लेकिन ये उपाय आप किसी को बताएं ना, इसे गुप्ती रख के करें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।